वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड एंड वी हैव स्टडी टिल पैराग्राफ 15 एंड वी आर लर्निंग द चैप्टर नंबर 5, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि जो राइटर स्कूल विजिट किए हैं उन्हें एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि किस टाइप का ये स्कूल है, हाउ द चिल्ड्रन आर experiencing different kind of disabilities and trying to cope up with that, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में जब एक लड़की से बात कर रहे होते हैं तो वो लड़की बता रही है कि क्या करना difficult है और क्या करना बहुत ज़्यादा difficult नहीं है। ठीक है, तो उसने बताया था कि being blind is so frightening, मतलब blind होना बहुत डरावना है, frightening है, उसका हेड जो होता है हमेशा दर्द कर रहा होता है एक। ठीक है, सिर्फ ये सोच कर चिंता कर कर, वरी मीन्स चिंता करना कि वो कहीं हर्ट हो जाएगी, मतलब कहीं उसे चोट लग जाएगा। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं, वो पूछ रही है। राइटर उसके साथ था, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, प्ले ग्राउंड में हैं हम लोग, राइटर ने बोला। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम लोग घर की तरफ वॉक कर रहे हैं। मिस बीम is walking up and down the garden with a tall girl, and Miss Beam जो है garden में कभी जा रही हैं, बाहर निकल रही हैं एक लड़की के साथ जो लंबी है काफ़ी, मतलब वो भी टहल रही होंगी, कुछ बातें कर रही होंगी लड़की के साथ, तो कभी उसकी तरफ जा रही हैं कभी उधर से हट रही हैं। होता है ना, हम लोग एक ही तरफ टहलते हैं तो ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाए, तो वही वॉकिंग अप एंड डाउन। वट इज़ द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस, और जो राइटर के साथ जो लड़की थी वो पूछ रही है, व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, लड़की क्या पहनी हुई है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो राइटर बोले कि एक जस्ट अ मिनट, फोकसिंग की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ब्लू कॉटन का स्कर्ट पहना है उसने और एक पिंक ब्लाउज मतलब टॉप। आई थिंक इट्स मिली, तो लड़की बोल रही है, सी सेड कि शायद वो मिली है। What color is her hair? मतलब उसके बालों का रंग कैसा है। Very light, I said. तो राइटर बोले कि बहुत ही हल्का। Yes, that's Millie. हाँ yes, मतलब हाँ वो मिली ही है। She is the head girl. वो head girl है। होता है ना head mistress, head boy, head girl, हमारे भी स्कूल में हो ना हर एक हाउस का, तो उसी तरीके से। There is an old man tying up roses, I said. फिर एक old man है, बूढ़ा आदमी है जो रोज़ के जो फूल हैं उनको बांध रहा है। यस दैट्स पीटर, वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो गार्डनर है मतलब जो बगीचे में देखभाल करता है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो 100 साल एज है उसकी। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ अ कर्ली रेड हेयर, सी इज़ ऑन क्रचेस। ये राइटर बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका हेयर कैसा है रेड कलर का और कर्ली है, एंड सी इज ऑन क्रचेस, वो क्रचेस पे है, मतलब वो उस दिन लेम बनी है, मतलब दोनों तरफ उसके वो है जो पकड़ के लोग चलते हैं। दैट्स अनीता, तो छोटी लड़की बोली क्या कि वो अनीता है, मतलब जिस दिन जो बना था वही चीज़ चल रहा है, उस दिन कौन क्या बना था वो लड़की पूछ रही थी, तो वही बता रही है वो। एंड सो वी वॉक डाउन, और फिर हम लोग टहलते रहे। जस्ट अ मिनट गाइस, फोकसिंग फोकस। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थाट आई कुड बी। धीरे धीरे राइटर बोल रहा है कि मैंने डिस्कवर किया, मतलब मैंने पाया कि आई वॉज 10 times मोर थाटफुल, अब मैं बहुत 10 गुना बहुत ज़्यादा थाटफुल था, मतलब अब मेरे अंदर सोचने की क्षमता, मतलब मैं थोड़ा सा केयरफुल हो गया और अच्छा बन गया। दैन आई एवर थाट आई कुड बी, कंपेयर्ड की ये कि मैं खुद कभी इतना हो सकता था, मतलब उस लड़की से मिलके, उस स्कूल में जाके बच्चों को उस तरीके से देख के कि वो किस तरीके से डिसेबल लोगों की प्रॉब्लम को महसूस कर रहे हैं। राइटर बोल रहा है कि धीरे धीरे मैंने पाया, महसूस किया कि डिस्कवर मतलब खोजना कोई, तो वो खुद के लिए खोजा कि अब मैं 10 गुना बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो गया था, मतलब मेरे अंदर वो चीज़ आ गई थी, समझ आ गई थी, अगर मैं शायद
ऐसा पहले कभी उतना नहीं हो पाता। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। ये बोलें कि ये मैंने ये भी महसूस किया कि अगर मुझे लोगों को और चीज़ों को डिस्क्राइब करना है किसी और को, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टिंग काम हो सकता है। वेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब मुझे अंत में वहाँ से निकलना था, स्कूल से बाहर निकलना था, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। जस्ट अ मिनट गाइस, फोकसिंग फोकस। हाँ, ये मिस बीम को बोले कि मैं बहुत मतलब सॉरी कि मुझे अब जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब कब गए हो तो कभी ना कभी तो निकलोगे ही ना वहाँ पर से, लेकिन वो निकलना नहीं चाह रहे थे, तो बस इसी कारण बोल रहे हैं कि सॉरी आई हैव टू गो। आह से रिप्लाइड, तो उन्होंने रिप्लाई किया, ओ देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। तो वही बोलने की देन, तब जरूर मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि वो आदमी थोड़ा इमोशनल हो गया ये सब चीज़ें देख के। तो दिस इज़ द स्टोरी गाइस गाइस गाइस। ये फोकस फोकस की प्रॉब्लम। ठीक है, इलिगस इज़ द राइटर। एब्रिज्ड एंड सिंप्लीफाइड, एब्रिज्ड का मतलब क्या होता है, छोटा करना थोड़ा, एंड सिंप्लीफाइड मतलब सिंपल बना देना, मतलब बड़ी स्टोरी थी कोई जिसको एब्रिज किया गया, थोड़ा छोटा किया गया है, सिंप्लीफाइड। ये देखो, इस चैप्टर से ही कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इधर उधर किए गए हैं, इसको आपको अरेंज करना है और पैराग्राफ बनाना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था। ठीक है, जैसे आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, हैविंग अ रे टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन आई गेस। ये सब हो रहा था ना, वो लड़की डिस्क्राइब कर रही थी, ओनली यू मस्ट टेल मी थिंग्स बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। तो इधर उधर किया गया है, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे पहले लड़की ने बोला था, तो एक पैराग्राफ बन जाएगा, वही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन आंसर। व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल, आपको क्यों लगता है कि राइटर ने मिस बीम्स के स्कूल को विजिट किया था। तो स्टार्ट जो हम पैराग्राफ कर रहे थे चैप्टर, तो उसमें लिखा था ना कि द राइटर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट मिस बीम्स स्कूल, उसने मिस बीम्स के स्कूल और उसके टीचिंग मेथड्स के बारे में बहुत कुछ सुना था, याद है फर्स्ट पैराग्राफ, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील। ठीक है, उसके बाद वहाँ, तो इस कारण उसने उसको विजिट किया था। इसमें लिखना कि राइटर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट मिस बीम्स स्कूल एंड द टीचिंग मेथड्स, सो ही विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। What was the game that every child, just a minute, focus focus, child in the school had to play? ठीक है, What was the game, तो कौन सा गेम था जो बच्चों को प्ले करना, तो इसमें क्या था, अरे यार, हाँ, हर एक टर्म में चाइल्ड को कुछ ना कुछ करना, तो इसमें लिख सकते हो कि एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले many games, it was not actually a game, it was like experiencing the disabilities. ठीक है, इस टर्म they had to be a blind person, a lame person, a dumb person, a deaf person. ये जो पैराग्राफ था वही चीज़ आपको लिखना है। Each term every child, अरे each term every child has one blind day. Guys. वन लेम डे, ये पैराग्राफ है तो कंप्लीट द लाइन, लाइन को कंप्लीट करना है। इसमें आपने देखा था ना कि क्या क्या होता है, जो जितने सारी चीज़ें बन रहे हैं वहाँ पे, लेम डे जो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, उस स्टेटमेंट को पूरा करना है। इच टर्म एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, डीफ डे, एंजर डे एंड डम डे, यहाँ से यहाँ तक इसको आप लिख दोगे। ठीक है, वॉट वॉज द What was the purpose of these special days? ये question. What was the purpose of these special days? तो इसका purpose क्या था, उद्देश्य क्या था, तो लिखना कि the purpose of these special days were to generate thoughtfulness in the children, to make them responsible citizens, जिम्मेदार नागरिक बनाना, so that they could experience the problems faced by disabled people
एंड बी गुड टुवर्ड्स देम। अब इसमें से वर्ड्स दिए गए हैं कुछ और उनका मीनिंग दिया गया है नीचे। अब इसको आपको मैच करना है और लिखना है, ठीक है। होम सिक का क्या मतलब होगा बताया था ना मैं, कि ऐसा आदमी जो घर पे ही रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे देखो वो चीज़ गाइस, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये वाला वांटिंग टू बी होम, प्रैक्टिकली का मतलब क्या, प्रैक्टिकली मतलब जो डे टू डे चीज़ें होती हैं हमेशा होती रहती है, क्या हो सकता है ये। ऑलमोस्ट इट पेंस मी, पेंस मतलब दर्द होना, हर्ट होना, गलत महसूस करना। देखो इसमें क्या हो सकता है, इस बॉक्स का मीनिंग देखना यार। फोकस। ये इट हर्ट्स मी, पेंस मी मतलब हर्ट्स मी, ठीक है। अप्रिसिएट मतलब क्या होता है, समझना चीज़ों को, अंडरस्टैंड करना। ये वाला अंडरस्टैंडिंग द डिफ़िकल्टीज़। थॉटलेस मीन्स जो बिल्कुल ही केयर नहीं करता हो। और थॉटफुलनेस बढ़ाया जाता है यहाँ पे, मतलब जिसको केयर करता हो, जैसे ये हो जाएगा नॉट वेरी केयरिंग। एक्सरसाइज मतलब टेस्ट करना चीज़ों को। ये रिलीफ मतलब आराम महसूस करना, ठीक है। जो जरूरी चेंजेस जरूरी हो, और वेलकम चेंज। घास्टली ठीक है, घास्टली मीन्स बहुत ही परेशान करने वाली चीज़, घास्टली ये हो जाएगा फिर टेरिबल। यहाँ पे बोला रिवर्ड दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, मतलब इस वर्ड्स को करेक्ट करना, रिवर्ड करना। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। रिवर्ड करना, तो इस चीज़ को अपने आप से लिखना है आपको, खुद से फिर से एक स्टेटमेंट बना के, ठीक है। कोशिश करो कि इस सेंटेंस को खुद से कैसे लिखोगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट दिस ऑन योर ओन, आंसर मैं तो शेयर करूँगा ही। इतना ही कीजिए अभी, एंड सो लेट मी क्लोज दिस चैप्टर। आई शेयर द क्वेश्चन आंसर एंड बिफोर दैट आई शेयर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। सो होप यू एन्जॉय द चैप्टर, एंड ऑफ कोर्स ये चैप्टर पढ़ के आपको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वी डोंट हैव टू लाफ एट पीपल हु कांट स्पीक और कांट सी कांट हियर। ऐसे लोगों पे हम लोग भी कभी कभी हंस देते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, वो चीज़ें समझना होगा हमें कि हम जो लोग डिसेबल्ड हैं वो उनकी गलती नहीं है, भगवान ने उन्हें भेजा है उस तरीके से, तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट बिकॉज कि वो बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इसका मतलब नहीं कि हम हंसेंगे ऊपर, ओके। सो बी गुड टुवर्ड्स देम, दैट्स द पर्पस ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर। थैंक यू।